धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों सदगुरु कबीर की एक बहुत सरल सी साखी है उस साखी में सदगुरु कबीर ने हमें यह बताया है मनुष्य के जीवन में महानता कैसे आती है मनुष्य कैसे बड़ा बन सकता है और कैसे दुनिया की सेवा करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकता है दुनिया में कोई भी आदमी छोटा बनकर रहना नहीं चाहता बड़ा बनने की कामना बड़ा बनने की इच्छा बड़ा कहलाने की इच्छा मान सम्मान पाने की इच्छा हर आदमी के मन में होती है कुछ लोग प्रकट कर देते हैं कुछ लोग प्रकट नहीं करते कहते नहीं है लेकिन मन में ये भाव रहता है कि जहां मैं जाऊं लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखें मेरा सम्मान हो मेरी आवभगत हो लेकिन बड़प्पन कैसे आएगा जीवन में बड़ा कौन कहला सकता है एक बड़प्पन होता है बाहर का सिटी आ रही है आवाज थोड़ी कम करो एक बड़प्पन होता है बाहर का थोपा हुआ बड़प्पन और एक बड़प्पन होता है भीतर का जो जीवन से प्रकट होता है जिसके सामने अपने आप लोग सिर झुका देते हैं कहलाने की आवश्यकता नहीं होती आदमी धन से बड़ा होता है पद से बड़ा होता है विद्या से बड़ा होता है लेकिन इनसे जो बड़प्पन मिलता है यह बड़प्पन नकली बड़प्पन है क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है आज आदमी धनवान है धन के कारण आदमी की प्रतिष्ठा हो रही है सम्मान हो रहा है और धन नहीं रहेगा तब सम्मान खत्म आज कोई नेता है मंत्री है मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है प्रधान कहीं जाते हैं तो कितनी गहमा गहमी कितना स्वागत सत्कार कितनी आवभगत कितने फूलमाला और कितनी व्यवस्था चुनाव पर जब पार्टी हार जाती है आदमी मुख्यमंत्री नहीं रहता प्रधानमंत्री नहीं रहता तो क्या वही सम्मान होता है वही स्वागत सत्कार वैसी व्यवस्था जैसे पद से हटे वो सम्मान वो आदर वो सत्कार वो व्यवस्था सब तुरंत एक दिन में गायब क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है असली नहीं है थोपा हुआ है नकली है असली बड़प्पन भीतर से आता है स्वभाव से आचरण से त्याग से तप से साधना से अच्छे स्वभाव से अच्छे गुणों से और जो स्वभाव से बड़प्पन आता है जीवन के आचरण से जो बड़ाई निकलती है उसके सामने धनवान भी झुकता है विद्वान भी झुकता है नेता मंत्री और राजा बादशाह भी झुकते हैं इसलिए हमें दिखावा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सरल बनने की आवश्यकता है जो आदमी जितना सरल बन करके जीता है जितना उसका जीवन सरल होता है सादा होता है और जीवन जितना सुसंस्कारित होता है सदाचारमय होता है उतना ही लोग उसके सामने झुकते हैं न झुके तो भीतर से तो आदर देते ही देते हैं दिखावा के नहीं सरलता की आवश्यकता है विनम्रता की आवश्यकता है आज जिन महापुरुषों को हम संत कहते हैं सदगुरु कहते हैं महापुरुष कहते हैं भगवान कहते हैं किसी कोने के हो वे अपने त्याग से तप से साधना से महान हुए हैं अपने उच्च गुणों से महान हुए हैं हम लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी और कबीर साहब एकदम गरीब नीरू नीमा जुलाहा के यहां पाले पोसे गए चाहे उनका बेटा रहा हो चाहे उन्हें पाया रहा हो एकदम गरीबी में सदगुरु कबीर का जीवन व्यतीत हुआ है और जिसे जुलाहा कहा जाता है समाज में छोटी जाति कहा जाता है वहां पैदा हुए लेकिन अपने गुणों से आचरण से स्वभाव से ज्ञान से कितने महान हो गए आज पूरी दुनिया कबीर को जानती है और वो कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते रहे जुलाहा का काम करते रहे लेकिन कबीर जुलाहा थे इसलिए छोटा थे आज कोई नहीं कह सकता कबीर साहब के साथ ही संत रविदास आज रविदास जयंती है संत रविदास महान संत जूता बनाने वाले के घर में पैदा हुए थे और स्वयं जूता बनाने का काम करते थे जूता बनाना उनके लिए पूजा बन गया था और जूता बनाते बनाते वो महान हो गए हो गए अत्यंत महान एकदम गरीब घर में पैदा हुए थे वो भी, लेकिन अपने गुणों से अपनी साधना से अपने त्याग से संत रविदास प्रसिद्ध है कबीर साहब के एक साथी और थे संत सेना कबीर रविदास और सेना ये तीनों की जोड़ी थी तीनों जहां जाते थे एक समा बंध जाता था खंजड़ी और ताल और लेकर गाना बजाना और फिर सत्संग का जो समा बंधता था अद्भुत संत सेना एकदम गरीब घर में पैदा हुए थे उस घर में पैदा हुए थे जो जिस घराने में के लोग बाल बनाने का धंधा करते थे और संत सेना स्वयं भी बाल बनाने का काम करते थे लेकिन महान संत हुए हैं ये कबीर हो रविदास हों सेना हो कोई पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा पता नहीं कितने पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे सुविधा क्या मिली पता नहीं है और माता पिता इन तीनों के बहुत गरीब बहुत गरीब दुनिया के महान संत ईशा ईशा जब पैदा हुए तब उनकी माता मरियम के पास इतना भी कपड़ा नहीं था बिस्तर पर लेटा सके तो पशुओं को जो चारा खिलाने का जो नाद होता है सीमेंट का मिट्टी बना हुआ उसमें मुलायम घास बिछा करके उसे लेटाया गया था और उनके पिता यूसुफ बढ़ेगिरी का काम करते थे संत ईसा भी बचपन में बढ़ेगिरी का काम के एकदम गरीब घर का बच्चा के आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं अपने गुणों के कारण अपने त्याग के कारण आधी दुनिया इस्लाम का राज्य है इस्लाम के मुसलमानों के परम पूज्य हजरत मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला एकदम गरीब अब्दुल्ला की शादी जब अब्दुल्ला चौदह साल के थे तब तो उसकी शादी आमना से हुई थी उसमें रिवाज था कि शादी के बाद दुल्हा तीन दिन तक ससुराल में रहे और रहा उसी समय उसी तीन दिन में आमना गर्भवती हो गई और और वहाँ से अब्दुल्ला निकले मौत हो गई हजरत मोहम्मद ने अपने पिता को मुंह देखा नहीं था गर्भ में आए थे आठ दिन पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई एकदम गरीबी में पले थे ऊंट और बकरी चराने का, का काम करते थे लेकिन संत हजरत मोहम्मद कितने महान हैं अपने त्याग के कारण अपने गुणों के कारण तो असली बड़प्पन जो आता है जीवन में जो ऊंचाई आती है वो भीतर से आती है भीतर का जो धन है उस धन का पता ना होने के कारण हम बाहर के धन के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रह जाते हैं हाय हाय करते जोड़ते गए जोड़ते गए और हाय हाय करते दौड़ते रहे और हाय हाय करके मर गए हाथ कुछ आया नहीं न खा पाए न खिला पाए न समाज की सेवा कर पाए न समाज के लिए कोई आदर्श छोड़ पाए भौतिक विकास आप जितना कर ले आप जब तक आत्मिक विकास नहीं होगा भीतर के धन का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक बाहर का धन आपको सुख नहीं दे सकता है बाहर का बड़प्पन बाहर आपके पास क्या है ये मूल्यवान नहीं है मूल्यवान है कि आप क्या है एक होता है हम मैं और एक होता है हमारा मेरा हमारा जिसे हम कहते हैं मेरा जिसे कहते हैं वो सब के सब छूट जाना है कोई काम नहीं आएगा लेकिन जो मैं है मेरा है हमारा है काम वही आएगा और हमें उसका पता ही नहीं है उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है तो मैं कह रहा था सदर कबीर की साखी कि बड़ा कौन कबीर साहब से तो किसी ने पूछा होगा कि साहब मैं बड़ा बनना चाहता हूं कैसे बनू और एक बात और याद रखो जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतनी ठोकर आपको खानी पड़ेगी जब तक तो ठोकर नहीं खाओगे जब तो तक चोट नहीं सहन करोगे तब तक बड़ा नहीं बन सकते हो जितना बड़ा बनना चाहते हैं छोटा बना बनना चाहते हैं तो ठोकर थोड़ी खानी पड़ेगी अधिक बड़ा बनना चाहते हैं तो ठोकर ज्यादा खाना पड़ेगा कोई भी पत्थर जब तक छीनी और हथौड़ी की चोट सहन नहीं करेगा कभी भगवान नहीं बन सकता है कभी मूर्ति नहीं बनेगा यदि किसी पत्थर को मूर्ति बनकर मंदिर में प्रतिष्ठित होना है और लोगों से पूजवाना है तो सैकड़ों चोट सहन करना पड़ेगा और जो पत्थर चोट सहन नहीं कर पाता वो टूट जाएगा उसे तो लोग सड़क पर लगा देंगे मंदिर की सीढ़ी में लगा देंगे और लोग उस पर पैर रखते हुए आराम से चलते चले जाएंगे और जो पत्थर चोट सहन कर लेता है उसके सामने जाकर के लोग सिर झुकाते हैं प्रणाम करते हैं पूजा करते हैं कब पत्थर मूर्ति कब बना पत्थर भगवान कब बना जब चोट सहन किया तब ठोकर सहन किया तब ऐसे ही यदि सचमुच में बड़ा बनना चाहते हैं तो चोट सहना पड़ेगा इतना मतलब नहीं है किसी कहो भैया मुझे चार डंडा मारो वो चोट से नहीं अपमान सहना पड़ेगा प्रतिकूलता तो सहना पड़ेगा विरोध सहना पड़ेगा गाली गलोस सहना पड़ेगा और सबको सहन करके शांत रहना पड़ेगा बड़ा बनना चाहते हैं ना तो एक रास्ता है जो आपको गाली दे उसको आशीर्वाद देना शुरू करो अपने आप बड़ा बन जाओगे और गाली देने वालों से झगड़ा शुरू करोगे तो जहां ज, जहां है वहीं से और नीचे गिरते चले जाओगे जो गाली देता है अपमान करता है ठोकर मारता है उसके लिए जब तक भीतर से और बाहर से आशीर्वाद का स्वर नहीं निकलेगा तब तक बड़ा नहीं बन सकते ये नियम है दुनिया का ये नियम है प्रकृति का आत्मकल्याण का किसी के लिए किसी के लिए भी मन में द्वेष भाव नहीं ईर्षा का भाव नहीं बैर विरोध का भाव नहीं प्रेम का भाव आशीर्वाद का भाव कल्याण का भाव जितना होता जाएगा उतना भीतर की महानता प्रकट होती चली जाएगी ये नियम है मैं कहा करता हूं हिंदू परंपरा में ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये तीन प्रसिद्ध देव हैं ब्रह्मा के मंदिर तो एक जगह है भारत में पुष्कर में और कहीं भी नहीं है विष्णु के मंदिर बहुत मिल जाते हैं लेकिन विष्णु की अपेक्षा महादेव शंकर जी के मंदिर और ज्यादा मिलते हैं क्यों शंकर ने चोट सहन की तब वो महादेव बन गए कहानी मालूम है आपको देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया चौदह रत्न निकले सबको बांट लिया गया लेकिन जब हलाहल जहर निकला तब तो उस जहर को लेने को, को तैयार नहीं हुआ और कहते हैं उस जहर का इतना तीव्र प्रभाव था कि सब की सांस रुकने लग गई दम घुटने लग गया लगा कि अब थोड़ी देर में मौत आ जाएगी निराकरण कौन करे तब शंकर नाम का देवता सामने आया और जहर को पी लिया और पीकर पचा लिया तो शंकर देवता नहीं रह गए देवताओं के देवता देवाधिदेव महादेव बन गए शंकर महादेव कब बने जहर पीने के बाद ये जहर क्या है अपमान निंदा प्रतिकूलता विघ्न बाधा इनको आ, इनके आने पर जब जितना शांत रह जाता है जो उतना वो महादेव बन जाता है हर व्यक्ति महादेव बन सकता है लेकिन हम में जहर पचाने की क्षमता नहीं है ये जहर बाहर का जहर नहीं ये जहर दुनिया का जहर ठोकर तो वो प्रकट होना है भीतर का भगवान भीतर का महादेव हर व्यक्ति के भीतर महादेव बैठा हुआ है लेकिन समझते नहीं है समझ भी में बात आ भी जाती है तो उसको उद्घाटन के लिए हमारी तैयारी नहीं है वो सहनशीलता नहीं है वो शक्ति नहीं है वो त्याग वो साधना नहीं है इसलिए हम समान के समान नहीं रह जाते हैं तो बड़ा बनना है तो सहना पड़ेगा झुकना पड़ेगा और सब कुछ को पचाना पड़ेगा तो कबीर साहब के पास कोई गया और कहा साहब बड़ा कैसे बना जाए बड़ा बनने के लक्षण क्या है तो सदर कबीर ने एक साखी कही नमन छमन और दीनता समताशील स्वभाव कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव बड़ा कौन जिसका स्वभाव बड़ा होता है और स्वभाव से आदमी की पहचान होती है हम और आप कहीं जाते हैं जाकर वहां पर लोगों से मिले जुले बात किए काम किए एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन चार दिन चार दिन दिन कुछ रहे, जब से चले जाएं, आएंगे हम वापस लौट करके तो लोग हमारे पास कितना धन था या धन है कितना हम पढ़े लिखे हैं, कितने हमारी नौकरी है चर्चा इसकी नहीं करेंगे वहां रह करके लोगों से अच्छा बुरा जो हमने व्यवहार किया चर्चा उसके आधार पर होगी अच्छी प्रेरणा लोगों को मिलेगी बुरी प्रेरणा मिलेगी मिलेगी किससे हमारे कर्म से हमारे स्वभाव से हमारे आचरण से वो हमारा असली धन है स्वभाव एक ऐसा धन होता है जिसे हम छोड़ नहीं सकते कहीं भी आदमी की पहचान उसके स्वभाव से होती है कौन अच्छा है और कौन बुरा है स्वभाव पर बात आती है तो उदाहरण अनेक बार दिया गया है फिर से याद करें एक पेड़ की डाल पर एक कौआ और एक कोयल दोनों घोतला बनाकर रहते थे एक दिन कोयल देखती है कि कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है कोयल ने पूछा कहो भैया क्या कहीं जाना चाहते हो बड़े बहुत तामझाम कर, कर रहे हो बड़ी तैयारी कर रहे हो कौवे ने कहा हाँ बहन अब मैं इस गांव को छोड़कर के जा रहा हूं अब इस गांव में मैं नहीं रहूंगा कोयल ने पूछा क्यों यहाँ तो बड़े आराम से रह रहे हैं खाने पीने की सारी व्यवस्था है सारी सुविधाएं मिली हुई है ये गांव क्यों छोड़ना चाहते हो तो कौआ ने कहा देखो बहन नीति में कहा गया है जहां रहने से सम्मान तो कुछ भी नहीं मिलता हो उल्टा केवल अपमान मिलता हो वहां नहीं रहना चाहिए बहुत दिन बीत गए इस गांव में रहते रहते आज तक किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया उल्टा जहां गया जहां बैठा अपमान ही मिला जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कुछ गाना चाहता हूँ कुछ बताना चाहता हूँ तो लोग मेरी बात नहीं सुनते मुझे पत्थर मार करके उड़ा देते हैं कब तक अपमान सहन करूं अब वहां जाऊंगा दूर जहां लोग मेरा सम्मान कर सके कौवे की बात सुनकर कोयल ने कहा भैया सम्मान पाने के लिए स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है स्वभाव बदलने की जहां जाओगे कर कर बोलोगे तो वही पत्थर मारे जाओगे तुम्हारी आदत है कर कर बोलने की मीठी आवाज में बात करो नम्र आवाज में बात करो कोमल आवाज में बात करो तो तुम्हें सम्मान मिल जाएगा लेकिन तुम तो कर कर बोलते बोलते हो कर कर तो वही पत्थर मार जाओगे तो सम्मान पाना चाहते हैं तो स्थान नहीं बदलना है स्वभाव बदलना है जीवन का व्यवहार बदलना है जीवन के कर्म बदलना है और आचरण बदलना है जिस स्वभाव से अपमान मिल रहा है जिस कर्म व्यवहार वो अपमान मिल रहा है उसको छोड़कर कर उसके विपरीत स्वभाव आत कर्म बना ले सम्मान अपने आप मिल जाएगा और हम ये नहीं करना चाहते बदलना चाहते हैं दुनिया को स्वयं को बदलने दुनिया का एक हिस्सा बदल जाएगा दूसरे अच्छे हो जाएंगे तब तो सम्मान मिलेंगे ऐसा नहीं है दूसरे जैसे हैं वैसे रहेंगे हमें अच्छा बनना है और अच्छा बन जाएंगे तो सम्मान पाने की इच्छा नहीं होगी जब तक तो याद रखना होगा जब तक मन में सम्मान पाने की इच्छा है आदर पाने की इच्छा है तब तक आपको आदर नहीं मिल सकता आप अच्छे नहीं बन सकते अच्छा बन जाओ सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दो अपने आप सम्मान मिल जाएगा गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं एक पद उन्होंने कहा है अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में मन वाणी तन, 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 तन में अच्छा रहो अपने आप अच्छे बन जाओगे उन्होंने और भी कहा अपनी निंदा कभी श्रवण कर शोभन मन में लाना सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना यदि प्रशंसा सुन करके मन में खुशी होती है और निंदा सुन करके मन में दुख होता है तो समझ लेना जीवन में कभी शांति से जी नहीं पाओगे प्रसन्नता से जी नहीं पाओगे निंदा सुन करके दुखी होना प्रसन्नता सुन करके खुश हो जाना यह भीतर की भयंकर कमजोरी है चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष अच्छा काम करो बस अच्छा होने के लिए अच्छा जीने के लिए और अपनी मानसिक प्रसन्नता के लिए हमें अच्छा होना है और अच्छा काम करना है कहलाने के लिए नहीं जिसका जैसा मन हो कहने दो तो सदुरु कबीर कहते हैं कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव बड़ा कौन जिसका स्वभाव बड़ा है जिसका मकान बड़ा वो नहीं जिसका धन बड़ा है वो नहीं है जिसका बल बड़ा है वो वो बड़ा नहीं होगा जिसकी विद्या बड़ी हो है वो वो बड़े बड़ा नहीं होगा जिसका परिवार बड़ा है, वो बड़ा नहीं साहब कहते हैं जामे बड़ा स्वभाव स्वभाव जिसका बड़ा है वो आदमी बड़ा होगा और, और स्वभाव को अच्छा कैसे बनाए बहुत सरल सी बात साहब कहते हैं नमन नम्रता झुकना विनम्रता जो आदमी जितना विनम्र होता है झुकना जानता है वह आदमी लोगों को उतना प्यारा होता है अहंकार हमारे जीवन की भयंकर कुरूपता है हमारा मन झुकना नहीं चाहता झुकना नहीं जानता हम चाहते हैं कि लोग हमारे सामने झुके क्यों झुके झुक जाए जितना छोटा जितना छोटा बनेंगे उतना ही आपको सम्मान मिल जाएगा विनम्र बनकर तो देखें सबते लघुता भली लघुता ते सब होए जस द्वितिया को चंद्रमा शीश, नावे सबको कबीर कहते हैं विनम्रता के लिए बहुत आवश्यक है साहब कहते हैं, हैं इसे सब मिल जाएगा जैसे द्वितिया का चांद वो छोटा होता है झुका हुआ होता है थोड़ी देर में अस्त हो जाता है लेकिन द्वितिया के चांद को लोग नमस्कार करते हैं क्योंकि द्वितीय का चांद रोज, रोज 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 बढ़ता चला जाता है एक दिन धीरे धीरे वो पूर्ण हो जाता है अब पूर्णिमा का चांद है तो पूरा लेकिन उसके पश्चात तो रोज उसकी कला घटती जाती है प्रकाश घटता जाता है एक दिन अंधकार अमावस्या की रात आ जाती है यहाँ एक उदाहरण दिया गया है पूर्णिमा चांद का अपना महत्व है द्वितीय के चांद का अपना महत्व है लेकिन द्वितीया का चांद कितना झुका होता है छोटा होता है प्रकाश कम होता है लेकिन रोज बढ़ता है रोज बढ़ता है रोज बढ़ता है तो झुकना होगा कुछ पाना है कुछ सीखना है तो झुकना होगा गीता में बात आती है श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हो कल्याण पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और ये समझ लो कि दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है इसलिए अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो अर्जुन तब 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 तब। ने कहा महाराज आप ज्ञान की बात कहते हैं ज्ञान कहां मिलेगा किसके पास मिलेगा क्या करना होगा तब श्री कृष्ण कहते हैं तीन शर्त बताते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ज्ञान पाना है तो तीन, तीन, तीन शर्त है कुछ बड़ा बनना है ऊपर उठना है तो तीन शर्तें हैं पहला पहली शर्त है प्रनिपात का अर्थ होता है अपने को सरेंडर कर देना शरणागत मतलब एकदम झुक जाना आप जब जाते हैं मंदिर में तो दंडवत करते हैं मूर्ति के सामने दंडवत करने कर से क्या है अपने आप का सर्वस समर्पण कि मेरा कुछ नहीं है कुछ बचा करके रखेंगे अपने को कुछ भी मानेंगे कि मैं ये हूं मैं वो हूं मैं वो हूं मेरे पास ये मेरे पास वो है जब तक तब तक सरेंडर नहीं हो सकता तब तक पूरा पूरा मिल नहीं सकता है पूरा सरेंडर करना पड़ेगा चाहे कल्याण का मार्ग हो चाहे भक्ति हो चाहे ऊपर उठना हो को, कोई भी हो पूरा का पूरा खाली कर देना अपने आप को प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये मन तो मैं गल हो रहा कैसे आवे जाए जो प्रेम की गली है भक्ति गली है शांति की जो गली है अत्यंत पतली है इसमें दो व्यक्ति एक साथ चल नहीं सकते और हमारा मन मतवाला हाथी के समान हुआ है सब कहते कैसे जा सकते तो इस रास्ते में चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान एक म्यान में दो खडक देखा सुना कान प्रेमरस चखना चाहते हो सम्मान भी पाना चाहते हो लोगों से आदर पाना चाहते हो शांति पाना चाहते हो भगवान की भक्ति भी करना चाहते हो और राखा चाहे मान और मन में अहंकार रखते हो अभिमान रखते हो कि भाई इतना बड़ा आदमी इतना पढ़ा लिखा इतना बड़ा आदमी मेरे पास ये है मेरे पास वो है मेरे पास ये है साहब कहते नहीं हो सकता एक आन में एक बार में एक साथ दो तलवार नहीं रह सकती है एक म्यान में एक समय में एक ही तलवार रहेगी ऐसी कोई ऐसा कोई म्यान नहीं बना है जिसमें एक साथ दो तलवार रखी जा सके तो भक्ति का जो मार्ग है कल्याण का जो मार्ग है साधना का जो मार्ग है या कहना चाहिए शांति का मार्ग साधना का मार्ग कहने पर लोग घबरा जाते हैं अरे ये तो साधना तो साधु लोगों के हम तो गृहस्थ हैं ये प्रेम का मार्ग शांति का मार्ग प्रसन्नता का मार्ग लोगों से सम्मान पाने का मार्ग ये क्या है अत्यंत पतला है झुकना पड़ेगा छोटा बनना पड़ेगा तो साहब कहते हैं नम्रता नम्र बनो अपने को कुछ मानो ही मत जहां जो भी हम कुछ मानते हैं सब झूठा है सब झूठा है मैं धनवान हूं मैं गुणवान हूं मैं विद्वान हूं मैं साधु हूं मैं महा, मैं गुरु हूं मैं महंत हूं मैं नेता हूं मैं मंत्री हूं ये मैं और हूं के बीच में जो भी आ गया है ना सब झूठा है नकली आरोपण मैं हूं बस ये खाली मैं तो हूं क्योंकि मैं और हूं के बीच में जो भी आया है बीच का है जब पैदा हुए थे तब आप विद्वान थे जब पैदा हुए थे हुए थे तब आप गुणवान थे जब पैदा हुए थे तब आप साधु थे, थे जब आप पैदा हुए थे तब तो नेता थे क्या मैं तो थे लेकिन आप तो थे ना मैं हूं बस ये मैं हूं बस मेरा अस्तित्व तो है और बाकी जो कुछ पकड़ लिए वही दुख का कारण बनता है वही पीड़ा का कारण बनता है फिर हम जोड़ ली धन से जोड़कर धनवान हो गए गुण से जोड़कर गुणवान हो गए विद्या जोड़कर विद्वान हो गए ज्ञान से जोड़कर गुण जोड़कर ज्ञानवान हो गए पद से जोड़कर पदवान बन गए जोड़ते गए जोड़ते गए और अपनी ओरिजिनलिटी को अपनी वास्तविकता को भूलते चले गए यदि कुछ मानना है अपने कुछ मानना है यदि आपको लगता है मैं मैं हूं ये तो नंगा हो जाना है कुछ कुछ बचेगा नहीं फिर कुछ तो चाहिए मानना के लिए यदि कुछ मानना ही चाहते हैं तो ये कहिए मैं मनुष्य हूं किसी का अहंकार हुआ है अरे तुम सोचते हो मैं मनुष्य हूं उसका अहंकार खत्म हो जाएगा मैं मनुष्य हूं बस और मनुष्यता में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है वहां उद्नित की भावना ही नहीं है वहां मनवाने और मानने की भावना ही नहीं है मनुष्य ये सब नकली है कोई व्यापारी है कोई वकील है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई कलर का है कोई कलेक्टर है कोई चपरासी है कोई नेता है कोई साधु है ये सब नकली है यहां कोई आ जाए अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो क्या वो बता सकता है कि इसमें कितने लोग किसान हैं कितने लोग मास्टर हैं कितने लोग डॉक्टर हैं कितने इंजीनियर हैं कितने वकील हैं कितने कलर्किन है, कोई बता सकेगा क्या? लेकिन ये बता देगा कि यहां इतने मनुष्य हैं, वही सच लेकिन मनुष्यता का अहंकार नहीं होता हम मनुष्य बनकर कहा जी पाते हैं धनवान बनकर जीते हैं गुणवान बनकर जीते हैं, विद्वान बनकर जीते हैं वकील बनकर जीते हैं डॉक्टर बनकर जीते हैं नेता बनकर जीते हैं साधु बनकर जीते हैं गुरु बनकर जीते हैं पता नहीं क्या क्या बनकर जीते हैं मनुष्य बनकर के नहीं जी पाते मनुष्य बनकर के जी लेना तो समाज की सारे आपाधापी खत्म हो जाएगी ये ऊंच नीच की भावना अहमहीनत्व की भावना ये भेदभाव की भावना छुआछूत की भावना ये हमारी पार्टी वो हमारी पार्टी ये हमारा मत वो और दूसरे का मत ये हमारा मजहब दूसरे का मजहब ये सब बीच में जो आ गए हैं आदमी को बांटने का काम करने वाले सब खत्म हो जाएगा झुकने जुकन, झुकने के लिए सब कुछ सब छोड़ना सब छोड़ना सब छोड़ना पड़ेगा सरेंडर का मतलब ही क्या होता है सरेंडर आधा तिहाई नहीं होता है समर्पण पूर्णता मांगता है तो गीता में जहां बात आई है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है पर निपातेन परिपात हो जाना एकदम अपने को समर्पित कर देना सरेंडर कर देना झुक जाना कुछ भी से एकदम खाली भीतर से जितना खाली होते जाएंगे उतने भरते चले जाएंगे वास्तविकता से उतने भीतर से ठोस होते चले जाएंगे पूर्ण बंदे चले जाएंगे और बाहर की चीजों से अपने को जितना भरते जाएंगे भीतर से उतना खाली छोटा हल्का दुखी अशांत पीड़ित होते चले जाएंगे कबीर कहते हैं बड़ा बनना चाहते हो तो नमन नम्रता नम्रता है नमन का अर्थ होता है नमस्कार करना किसी भी नमस्कार कर लो यह मत सोचो कि सामने वाला मुझे नमस्कार करे तब मैं नमस्कार करूं हाथ जोड़ लीजिए वो सामने और जोड़े या ना जोड़े जहां अपरिचित है अपरिचित व्यक्ति छोटा भी हो तो आप हाथ जो हम हाथ जोड़ ले प्रतीक्षा ना करें तो मुझे उम्र में छोटा है पद में छोटा है मैं कैसे हाथ जोडूं ऐसा नहीं होगा अपरिचित व्यक्ति कोई भी हो पहले तो हाथ जोड़ ले हाथ जोड़ने हाँ जो वाला झुकने वाला ही बड़ा होता है ये समझना होगा एक उदाहरण समझ ले तराजू में रख करके आप कोई माल तोलते हैं एक तरह का पड़ रहा एकदम झुका हुआ है दूसरे तरह का पड़ रहा एकदम उठा हुआ है वजनदार पड़ रहा कौन होगा किसी कीमत ज्यादा होगी जो झुके हुए की या, या उठे हुए की चुनाव करना पड़े आपको कि ये देखो भाई ये तराजू में एक पड़ रहा एकदम झुका ही पड़ा उठा हो तो चुनोगे कहोगे मैं बड़ा आदमी हूँ जो उठा हुआ पड़ा हुआ है वो वो, वो मैं लूंगा कहोगे क्या झुके हुए को लेना चाहोगे कितना बड़ा भी हो जाए कि नहीं नहीं जो झुका है ये मेरा होगा तो आप झुक जाए समाज स्वीकार कर लेगा छोटा बन जाए समाज स्वीकार कर लेगा समाज स्वीकार करे ना करे हमारी आत्मा स्वीकार करेगी हमारा दिल स्वीकार करेगा हम भीतर से एकदम ठोस हो जाएंगे तो नमस्कार कर नमन होता है नमस्कार करना किसी को भी नमस्कार कर लो संकोच क्यों उदाहरण अक्सर दिया जाता है हो सकता है घटना घटी हो या ना घटी हो कुछ लोग कहते हैं नेपोलियन के लिए कुछ लोग कहते हैं अब्राहम लिंकन के लिए कहा जाता है अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं जा रहे थे उस समय आज जैसे जो सिक्योरिटी है उस समय सिक्योरिटी नहीं रहती थी उनके बातों को सिक्योरिटी थी ही नहीं तभी तो मार डाले गए तो अपने सेक्रेटरी साथ के ही जा रहे थे एक लकड़हारा सामने से लकड़ी का गट्ठर लिए आ रहा था आमने सामने हुए दोनों लकड़हारा ने देखा हमारे राष्ट्रपति आ रहे हैं लकड़ी का गट्ठर उतारा सिर पर अपना सिर पर एक पगड़ी पहना था उसको उतारा और झुक करके नमस्कार किया उसको नमस्कार करते देख करके अब्राहम लिंकन ने भी अपना हैट उतारा और वैसे झुक करके उन्होंने भी नमस्कार का उत्तर दिया लकड़हारा अपने रास्ते पर चले गए लिंकन अपने रास्ते पर चले गए तब तो से उसके सेक्रेटरी ने कहा लिंकन आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रथम नागरिक हैं और आपका इस प्रकार एक लकड़हारा के सामने अपना हेड उतार करके नमस्कार करना आपकी जो मर्यादा है उसका अनुसार से शोभा नहीं देता आपको ऐसा झुकना नहीं चाहिए ऐसा नमस्कार नहीं कर तो लकड़हारा उसको उत था उसका फर्ज था आपको नमस्कार करना राष्ट्रपति को आप इतना क्यों झुके तब लिंकन ने कहा मैं नहीं चाहता कि अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्कार करने के मामले में एक हारा से पीछे रह जाए महानता भीतर से आती है ना ये उनका स्वभाव था तो ऐसे ही भीतर से जब महानता आएगी तो अपने आप झुकना हो जाता है कोई बड़ा बनने के लिए कोई थोपना नहीं पड़ेगा अपना को दिखावा छोड़ करके दिखावा जितना भी होगा हम असलियत से दूर होते चले जाएंगे साहब कहते हैं कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव सदगुरु कबीर कहते हैं वह आदमी बड़ा है जिसका स्वभाव बड़ा है बड़े स्वभाव का लक्षण क्या है पहला स्वभाव लक्षण है नम्रता झुकना आदर सम्मान दूसरों को देना क्षम क्षमा का भाव अपना जो विरोधी है हमारे साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है हमारा जो नुकसान कर रहा है उसके लिए क्षमा का भाव बदला लेने के प्रतिरोध की प्रतिशोध की, की भावना का त्याग और हर आदमी के मन में प्राय रिएक्शन 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 हर आदमी प्रतिक्रिया के आग में जल रहा है अब प्रतिक्रिया केवल हमें जलाती है हमारा नुकसान करती है किसी और को नुकसान नहीं करती है शांति से जीना है प्रसन्नता से जीना है तो ये जो प्रतिक्रिया का भाव है बदला लेने की जो भावना है पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा क्षमा का भाव क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात कहा विष्णु की घट गई जो भृगु मारी लात भृगु ने विष्णु को लात मार दी तो विष्णु का क्या घटा क्षमा कर दिया बड़े हो गए महान हो गए बदला लेने वाला बड़ा नहीं होता है बदला लेने वाला बलवान नहीं होता है बलवान क्षमा करने वाला और शांत रहने वाला होता है कहीं आप जा रहे हो आपने देखा आप चाहे कितना आपके मन में चाहे बदला लेने भावना कितना कितना भी आप अपने बड़ा मानते हो कितना आप क्रोध करते हो उलझते हो लेकिन कहीं आप जा रहे हो आपने देखा कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को खूब गाली दे खूब गाली दे भद्दी भद्दी कट गाली दे रहा है और पुन, बातें कर रहा है दूसरा व्यक्ति चुपचाप मुस्कुराते हुए शांत बैठा हुआ है बोलता भी तो प्रेम से बोलता है जरा सोचें अब क्या कहोगे जो व्यक्ति गुस्से में गाली दे रहा था उसे कहो भैया तुमने ऐसा गुस्सा किया तुम्हारे गुस्सा देखकर देख कर, दे कर तुम्हें देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई ये कहोगे ये क्या कहो भैया क्या कहोगे भैया उन्होंने इतनी गाली दी फिर भी तुम शांत रहे धन्य है देख कर मेरा दिल खुश हो गया जो व्यक्ति बात बात में गुस्सा करता है दूसरे व्यक्ति के गुस्सा को पसंद नहीं करता है तो ये बात हमारे लिए भी लागू होती है क्षमा क्षमा का भाव व्यक्तिगत जीवन में जहाँ सामाजिक जीवन है राष्ट्रीय जीवन की बात आती है समाज की बात न्याय की बात आती है तो कानून अपना काम करेगा समाज में नियम है कानून है पंचायत है ये सब अपना काम करते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जहाँ पारिवारिक जीवन जिनके साथ हमें रोज हम हमारा व्यवहार होता है वहां तो क्षमा किए बिना शांत रहे बिना सहन किए बिना एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा अपने परिवार में समता बनाए रखना चाहते हैं परिवार में संगठन बनाकर रखना चाहते हैं, परिवार में शांति बनाए रखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात स्वयं प्रसन्नता से शांति से जीना चाहते हैं तो बदला लेने की भावना को छोड़ करके क्षमा का भाव क्षमा का व्यवहार रखना होगा जितना क्षमा कर क्षमा में अंदर से बदला भावना का त्याग अपने विरोधी के दुख को देख करके मन में उसके लिए दया का भाव जब उपज जाए तो समझना कि हाँ क्षमा का गुण आया है अपने विरोधी के दुख को देख करके भी यदि हमारा मन खुश हो जाता है अच्छा है वो विरोध करता था मेरा दुखी गया बड़ा अच्छा हुआ तो समझना दिल नहीं पत्थर है भयंकर कड़ता जहर भरा हुआ है अभी और जहर हमें शांति से सोने नहीं देगा हमें शांति से जीना नहीं देगा इस जहर को निकालना होगा ये कड़ता का जहर क्रोध का जहर भले हमने कुछ नहीं कहा हमारा कोई विरोधी है हमने बाहर से कुछ नहीं कहा बाहर से हमने बदला लेने का व्यवहार नहीं किया किसी से तो और कुछ कहा नहीं उसके दुख को देख करके हम खुश हो गए तो भयंकर अभी द्वेष भाव क्रोध का भाव भरा हुआ है सुख से जिएंगे कैसे उसके दुख को देख करके उसके लिए दया का भाव और ये सोचो भीतर से कि ऐसा दुख दुनिया में किसी को ना मिले अपने विरोधी के लिए भी हित कामना करना यह क्षमा होता है और तभी हम शांति से जी सकते हैं तब जीवन का जो बड़पन है वो, है, वो प्रकट होगा महानता वो प्रकट होगी और सचमुच अर्थ में हम जीवन को समझ सकेंगे दीनता कहते हैं बड़ा स्वभाव दीनता दीनता का अर्थ होता है नम्रता दीनता का अर्थ होता है गरीबी दीनता का अर्थ होता है लाचारी विवस्थता असहायता, अनेक अर्थ है अर्थ है थोड़े में गुजर जब जो मिल जाए उसमें संतोष शिकायत के भाव का त्याग कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है कभी सूखा भोजन मिला कभी उत्तम भोजन मिला मेरा मिठान मिल गया कभी, 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 कभी बहुत सम्मान हुआ कभी कम सम्मान हुआ सब में संतोष सब में संतो, जब जो मिल जाए उसमें संतोष और जो आदमी संतोष रखना नहीं जानता है वो आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता उसका मन शिकायत से भरा रहेगा और जितना शिकायत से भरा रहेगा मन अपनों से दूर होते चले जाओगे यदि अपना जो कहलाना चाहते हैं या कहना चाहिए आ, आप अपना जिसे मानते हैं ये मेरे लोग हैं मेरे परिवार के लोग हैं मेरे संबंधी लोग हैं उनके बीच रह करके बेटा है बहू है भाई है भाभी है पिता है पुत्र है सास है बहू है कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनके बीच रह करके सम्मान पाना चाहते हैं आदर पाना चाहते हैं सेवा पाना चाहते हैं तो एक काम करे शिकायत करना बंद और उनमें बुराई देखना बंद जितनी बुराई देखोगे उतनी शिकायत और जितनी शिकायत करोगे उतना तिरस्कार मिलेगा फिर आपकी बात कोई सुनेगा नहीं अक्सर जमाना बदल गया है पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है और पढ़ाई लिखाई जितनी बढ़ती गई सभ्यता जिसे कहते वो बढ़ती गई उतने ही बुजुर्गों का माता पिता का दादा दादी का अपमान बढ़ता चला जा रहा है तिरस्कार बढ़ता चला जा, जा रहा है इसमें नई पीढ़ी का दोष तो है ही जो पुरानी पीढ़ी है उनका भी दोष है वो एडजस्ट करना नहीं जानते एक जनरेशन गैप है ना उस जनरेशन गैप को पाटा के जाए ये कला नहीं है लोगों के पास तो जो बुजुर्ग हैं उनके संस्कार अलग हैं, जवान उनके संस्कार अलग हैं अब आजकल का रहन सहन दिखावा बहुत बदल गया है अब बाद में बहू को टोकोगे बेटी को टोकोगे बेटे को टोकोगे कुछ दिन तो सहन कर लेंगे वो बाद में फिर आपकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे तब शिकायत करोग का जमाना तो कल्जू जमाना बाहर नहीं है भीतर है शिकायत में असंतोष में असंतोष को दूर कर दो शिकायत को दूर कर दो एडजस्टमेंट करना शुरू कर ले तो आपके लिए हमारे लिए कल्जु का जमाना समाप्त हो जाएगा और कोई रास्ता बचता नहीं है तो दिनता का अर्थ होता है संतोष भाव शिकायत रहित मन बुराई देखने का स्वभाव का त्याग अच्छाई देखना शुरू करें हर में हर में अच्छाई हर में अच्छाई है जितना अच्छाई देखेंगे प्रेम होगा प्रेम होगा तो मन मिलेगा और मन मिलेगा तो जीवन में आनंद आएगा मन में प्रसन्नता रहेगी तो दीनता संतोष भाव शिकायत का त्याग और बुराई देखने का त्याग समता समता अर्थ होता है सुख में दुख में हानि में लाभ में मान अपमान में मन को बैलेंस में रखना सब कुछ को सहन करके शांत रहना परिस्थितियां ये एक जैसी नहीं रहती है हर साल ठंडी आती है हर साल गर्मी आती है लेकिन न ठंडी रहती है न गर्मी रहती है रोज सुबह होती है रोज शाम होती है रोज दिन होता है रोज रात होती है लेकिन स्थायी कुछ नहीं रहता है एक के बाद एक आते जाते रहते ऐसे ही जिंदगी में सुख और दुख हानि और लाभ मान और अपमान एक के बाद एक आते जाते रहते हैं स्वीकार करो और जब जैसा उचित हो वैसा काम करते चले जाओ समता में रखो अपने मन को परिस्थितियों से अप्रभावित रखना है वितरित यदि नहीं होना है तो एक सूत्र याद रखें सुख आने पर होता क्या है प्रसन्नता आने पर आदमी के मन में अहंकार होता है दुख आने पर निंदा आने पर दुख होता है हम बैलेंस में नहीं रह पाते प्रभावित तो हो जाते हैं विचलित तो हो जाते हैं इस विचलन से इस प्रभाव से बचना है एक छोटा सा सूत्र याद रखें चाहे सुख आए तो दुख आए तो घाटा हो तो मुनाफा हो तो ये सूत्र क्या है हर सोचो दिस टू विल पास यह भी नहीं रहेगा दिस टू विल पास यह भी नहीं रहेगा गुजर जाएगा जितने इसको याद रखेंगे मन उतना शांत रहेगा समता में रहेगा जो समता में रहता है वही जीवन के मर्म को समझता है वही जीवन का आनंद ले पाता है जीवन को ठीक से जी पाता है भीतर से शांत संतुष्ट रह जाता है और अंतने कहते हैं, शील स्वभाव शील तो एक ऐसा गुण है जिसमें सब कुछ आ जाता है इसलिए कबीर साहब ने कहा शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील एक ऐसा गुण है जिसमें सारे के सारे सदगुण आ जाते हैं शील अर्थ कोमल मन मन की मिठास क्या बाकी रहता है तो कोमल मन उज्जवल चरित्र और कोमल व्यवहार इस शील का लक्षण है साहब तो कहते जिसका मन कोमल है जो सदाचारी है जो चरित्रवान है और जिसका व्यवहार मिठास पूर्ण है वो स्वाभाविक अपने आप में बड़ा हो जाता है तो मैंने शुरू की थी अपनी बात कि हर आदमी बड़ा कहलाना चाहता सम्मान पाना चाहता है लेकिन बाहर से बाहर से सम्मान मिलेगा बाहर से थोपा हो बड़प्पन होगा वो स्थायी नहीं होगा आज है कल चला जाएगा भीतर से सदगुण सदाचार सेवा त्याग भक्ति सरलत, सरलता विनम्रता चरित्र इससे जो जीवन में बड़पन आता है वो स्थायी रहता है और जिन महापुरुषों को हम पूजा करते हैं जिन्हें संत, महापुरुष भगवान कहते हैं वो थोपा नहीं वो दिख, उनके जीवन दिखावा नहीं था स्वाभाविकता थी वही हमें अपनाना है एक सूत्र याद रख लें नमन छमन और दीवता समताशील स्वभाव कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव कोमल व्यवहार कोमल वाणी उज्जवल कर्म उज्जवल चरित्र और जो मिले उसमें संतोष गुण देखने की दृष्टि सेवा परायणता और समर्पण भाव जितना जीवन में रहेगा हम सुखी रहेंगे हमारे साथी सुखी रहेंगे हमारा व्यवहारिक विकास भी होगा आध्यात्मिक विकास भी होगा और धीरे धीरे हम जीवन पूर्णता की ओर पहुंच सकेंगे श्री कबीर संस्थान नवापारा का वार्षिक कार्यक्रम तीसरा दिन अंतिम सत्र इसे मैंने कुछ निवेदन किया आप सबके लिए हमारी ओर से से कबीर संस्थान की ओर से शुभकामनाएं हैं कि सच्चे अर्थों में बड़े बनकर जीवन को जिए स्वयं सुखी रहें औरों को, सु, को सुखी करें और कल्याण मार्ग में बढ़ करके परमानंद परम शांति का अनुभव करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर बीरा गुरुदेव की जय